डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ जिला पुलिस ने वाहनों को ठिकाने लगाने वाले दो ग्रोह का भंडाफोड़ करते हुए सुशील पुत्र राजकुमार, भूरा पुत्र जगमान, विकास पुत्र सुरेश, दिलीप कुमार पुत्र रविंद्र समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक गिरोह भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनसे वाहन का फाइनेंस कराकर उन्हें चोरी दिखा देता था, जबकि दूसरा गिरोह ट्रैक्टर आदि की चोरी में लिप्त था। इन ग्रोहों से पूछताछ में ये बात भी निकल कर आई कि मेरठ के कुख्यात सोतीगंज बाजार में भी ये वाहनों को खपाते रहे। अभी हाल ही में कुछ कबाड़ियों ने सोतीगंज में दोबारा से अपना धंधा शुरू करने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने फिर से बंद करा दिया है। आज इस बारे में SP देहात अनिल सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। सर, एक ट्रैक्टर चोर गिरोह पकड़ा गया। कौन पूछ रहा है? सर, एक चोर गिरोह पकड़ा गया है, वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है? कुछ दिनों पहले थाना जानी में एक ट्रैक्टर चोरी की FIR दर्ज हुई थी, तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा लगातार तफ्तीश की गई और इसमें सर्विलांस का भी सहारा लिया गया। इसमें ये जानकारी संज्ञान में आया कि ये बड़ौत के रहने वाले हैं, एक गैंग है, शिवम है, सुशील है और विकास, और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं। तो ये रात में अन्य जनपदों में जाते हैं, खास करके मेरठ में जानी क्षेत्र में इन्होंने 2 चोरियां की हैं ट्रैक्टर की, और इनके पास से 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, 2 ट्रॉला बरामद हुए हैं और 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हम विभिन्न अभियोगों में इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं, इनके CDR वगैरह का भी विश्लेषण और कर रहे हैं। इनका जो जुड़ाव है वो हरियाणा करनाल से भी दिख रहा है, मुजफ्फरनगर से दिख रहा है और मेरठ में भी काफी घटनाएं दिख रही हैं, तो हम इन घटनाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं CO विवेक चौधरी ने यह बताया। देखिए, थाना ब्रह्मपुरी और SOG की संयुक्त टीम द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह कुछ गरीब व्यक्तियों के माध्यम से पहले गाड़ियों की फाइनेंस के द्वारा खरीदारी करते थे, फिर उन्हीं गाड़ियों को ये चोरी करवा के अन्यत्र स्थानों पे बेच देते थे। तो इस तरह से ये फाइनेंसिंग कंपनी को भी धोखा देते थे और उसी तरीके से ये दूसरों को इन गाड़ियों को बेचते थे, और कुछ गाड़ियां जो इनकी दोबारा नहीं बिक पाती थी वो, जैसा इनके द्वारा बताया गया है, सोतीगंज के 2 जो निवासी हैं जो पहले कबाड़ी का काम करते थे उनको भी ये बेच दिया करते थे, और इनके अनुसार वो कहीं मेरठ के बाहर ले जाके उन गाड़ियों को खोल के उसके पार्ट्स को बेच दिया करते थे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।